हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप साइन 30 अंश का मान कैसे निकालेंगे, साइन 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे, कॉसेक 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए आप जो है कि किसी का भी मान निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान ट्रिक है। और यह ट्रिक अगर आप जान लेंगे तो आपको कभी भी साइन 30 अंश, कॉस 45 अंश या टेन 45 अंश, किसी का भी आपको मान याद नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप साइन 30 अंश, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, साइन आज इस वीडियो में हम आपको बता देंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबका मान निकाल के बता देंगे कैसे इसके मान को निकालते हैं। बहुत सी आसान विधि है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे साइन लिख लेना है, कॉस लिख लेना है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इस तरह से लिख लेना है जब आप मान निकालने जाएं। और यहाँ पे आप लिख लीजिए 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ एक लिखिए, यहाँ दो लिखिए, यहाँ तीन लिखिए, यहाँ चार लिखिए, यहाँ सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे जीरो लिखिए, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ चार, इस तरह से आप लिख दीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए कि यहाँ पे आपको सबको चार से डिवाइड करना है, तो यहाँ से आप इसको चार से डिवाइड कर दीजिए, तो यह हो गया फोर फोर, और यहाँ पे फोर हो गया, और यहाँ पे फोर, और यहाँ पे फोर। फिर इसके बाद आप क्या करिए, इसका सभी का अंडर रूट ले लीजिए, इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी और इसका भी और इसका भी, तो इसका अंडर रूट कितना आएगा, यह जीरो हो गया, इसका आएगा वन बाई टू, और इसका आएगा वन अपॉन रूट टू, और इसका आएगा रूट थ्री अपॉन टू, और इसका आएगा वन। तो यह जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई दोस्तों, यह हमारा मान हो गया साइन का। साइन जीरो अंश का मान हो गया जीरो, साइन 30 अंश का मान हो गया वन बाई टू, साइन 45 अंश का मान हो गया वन बाई रूट टू, साइन 60 का मान हो गया रूट थ्री बाई टू, और साइन 90 का मान हो गया वन। तो यह हमारा वैल्यू आ गई साइन की। और अब कॉस की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कॉस की वैल्यू क्या करना है, इसी का उल्टा कर दीजिए, मतलब यह जो 90 पे है इसको जीरो पे लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा वन, और यहाँ हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, और यह हो जाएगा वन बाई रूट टू, और यह हो जाएगा वन बाई टू, और यह हो जाएगा जीरो। मतलब इसी को उलट दिए, जो जीरो की वैल्यू थी वह 90 की हो गई, और जो 90 की थी वह वन की हो गई, इसी को उलट दिए तो यह हमको कॉस की वैल्यू निकल गई। अब टेन की वैल्यू निकालना है। टेन की वैल्यू आपको पता है कि जो है कि होता है टेन बराबर होता है हमारा, टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो में जब वन से भाग देंगे तो यह तो जीरो ही आएगा, और यहाँ पे जब भाग देंगे तो यह आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, इसका इसका भाग देंगे तो यह हो जाएगा वन, और इसका इसका देंगे तो यह हो जाएगा रूट थ्री, और इसका इसका देंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, वन में अगर जीरो का भाग देंगे तो यह भाग नहीं जाएगी, यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित। इसी तरह से अब हमको निकालना है कॉट की वैल्यू। तो कॉट की वैल्यू क्या करते हैं, कॉट की वैल्यू के लिए इसी को उलट देते हैं, जो यहाँ 90 था टेन में वह हो जाएगा यहाँ पे जीरो में। तो यह था कितना, यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री, क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री है तो उल्टा हो जाएगा रूट थ्री, और यह तो वन ही रहेगा, और इसका 30 का जाएगा 60 में तो वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे यह जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो हो जाएगा।
तो आप सेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश। तो सेक के लिए देखिए, हम जानते हैं कि जो सेक होता है, सेक बराबर होता है 1/cos, 1/cos होता है। तो यहाँ हमको कॉस की सारी वैल्यू पता है, हमको सेक की वैल्यू इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक 0 अंश का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 करेंगे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे अगर हम 0 है और 1 है, 1 में 0 का भाग देंगे तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह हम कोसेक का निकाल लेंगे। कोसेक के लिए हम यह जानते हैं, कोसेक बराबर होता है 1/sin। तो साइन की जो वैल्यू है उसी को उलट देंगे, तो 1/ कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इसका हो जाएगा। तो 1/ अगर 0 करेंगे तो 0 वो 0 से भी भाग कर जाती नहीं है, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। कोसेक का मान यह अपरिभाषित हो गया। और यहाँ पे जो है कि 30 का मान था 1/2, तो इसको उल्टेंगे तो यह हो जाएगा 2, और यह 1/√2 था तो ये भी यह हो जाएगा हमारा 1/√2 था तो यह हो जाएगा √2, और यह था √3/2 तो यह हो जाएगा 2/√3, और यह हो गया 1। तो मतलब एक तरीके से ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जो आप sec की वैल्यू जो आपकी आई थी उसी को आपने उल्टा कर दिया, मतलब जो 0 यहाँ अपरिभाषित 90 था अपरिभाषित हो गया, 2 यहाँ था 2 यहाँ हो गया, √2 हो गया, 2/√3 1। मतलब इसको भी sec के आप निकालने के बाद इसको उल्टा कर देंगे तो भी आप cosec की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप जो है कि निकालते हैं, हम सारणिक से जो है कि मान निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से कोई भी मान आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।